TDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. मस्जिद में जान माज बिछाने को लेकर छिड़े पुराने विवाद पर मोतीबाग इलाके में पहलवान शाह बाबर दरगाह के पास घातक शस्त्रों से लैस आरोपियों ने एक मकान में घुसकर व्यक्ति की तलाश में आए आरोपियों ने व्यक्ति के न मिलने पर उसके छोटे भाई पर चाकू व गुप्ती से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किया। जबकि बताया जा रहा है कि आरोपियों ने घर की महिलाओं द्वारा शोर मचाए जाने पर महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी की। जरी पटका पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलने पर 5 आरोपियों पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पहलवान शाह बाबा दरगाह के पास मतियाग निवासी दानिश अली सैयद साकित अली ने जरीपटका थाने में दर्ज कई शिकायत में बताया कि गत 1 अप्रैल को शाम करीब 7 बजे वह घर के पास खड़े थे, तभी बड़े भाई फिरोज खान के साथ हुए विवाद को लेकर आरोपी अंजद खान उर्फ लाला पीरू रेहान उर्फ मेटू शेख रियाज शेख शाहरुख उर्फ मुक्का हिरदे और लंबू डोबी नगर मदरस डेरी के पास मोमिनपुरा एकजुट होकर हमला किया। आरोपी शेख रेहान और चाकू और गुप्ती लेकर दानिश की ओर दौड़े। इस दौरान उसकी कमर के बीच में चाकू व गुप्त पश्चात सभी आरोपी गाली गलौज करते हुए दानिश के भाई फिरोज खान की करने लगे। दानिश की बहन व भांजी ने शोर मचाया तो आरोपियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और घर के बाहर निकले और बाहर रखी उनकी एक्टिवा को तोड़फोड़ दिया। घटना के बाद आसपास के लोग जमा हुए तो आरोपी फरार हो गए। जख्मी दानिश को उपचार के लिए मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जरीपटका थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक त्रिपाठी ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। यह आशा है कि यातील जो फिरियादी है दानिश वो त्याचा मोटा भाऊ फिरोज खान ये पहलवान शाह बाबा दरगाह येथे देखरेखीचे काम करतात। दिनांक 1/4/2023 रोजी संध्याकाळच्या 5 वाजेच्या नमाजेच्या वेळेस तेथे आरोपी अमजद लाला हा सुद्धा नमाज पढण्यासाठी आला होता। नमाज पढताना अमजद लाला व फिरोज खान यांचे दरग्यामध्ये टाकलेल्या चटईवरून वाद झाला। त्यावेळेस अमजद लाला यांनी फिरोज खान यास शिवीगाळ केली व कॉलर पकडली होती, परंतु तेथे असलेल्या तेथे जमलेल्या लोकांनी त्यांचे भांडण सोडवले। त्यानंतर अमजद लाला हा आपल्या घरी गेला, तसेच फिरोज खानही घरी गेले। त्यानंतर रात्री 7 वाजेच्या सुमारास अमजद लाला रेहान शेख शाहरुख शेख शादाब आणि लंबू हे 5 जण पहलवान शाह बाबा दरगाजवळ आले, तेव्हा तेथे गल्लीत दानिश अली उभा होता। तेव्हा त्यांनी त्यातील शाहरुख व रेहान यांनी दानिशला क्यों साले जाटू हमारी बराबरी करेगा क्या तुझे दिखाते हैं असे अश्लील शिवीगाळ केली व रेहानच्या हातात चाकू होता व शाहरुखच्या हातात गुप्ती होती। दोघांनी जीवानिशी ठार मारण्याच्या उद्देशाने दानिशच्या पोटावर वार केला, परंतु दानिश ने तो वार चुकून पलटला तेव्हा त्याच्या पाठीमागून दोन्ही सीटवर वार लागले। तसंच तो पळत घरात गेला। घरात घुसला असता हे 5ही आरोपी त्याच्या घरात घुसले। घरात घुसले असता या नमूद 5ही आरोपीने दानिश फिरोज व त्याच्या घरात असलेल्या सर्व सदस्यांना हातबुक्कीने मारहाण केली। तसेच दानिश अलीची ॲक्टिवा गाडी फोडली। ज्यावेळेस त्यांनी दांगडो केला त्यावेळेस हे नमूद आरोपी तिथून पळून गेले। अशा रिपोर्टवरून पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी BCN न्यूज नागपूर। What are you waiting for? Enroll for aptitude and scholarship tests and get a scholarship up to 90% on 2-year JEE NEET fees. For registration and details, call